सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। भाजपा के बछरावा विधायक राम नरेश रावत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक दारोगा को थाने में घुसकर पीटने की धमकी दे रहे हैं। ऑडियो के मुताबिक विधायक के करीबी पर लड़की को भगाने का आरोप है। आरोप के चलते पुलिस ने विधायक के करीबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद विधायक जी भड़क उठे। हेलो सर, प्रणाम। राय साहब कौन इतना ऐसा तुमका लंबा लंबा नाप दिया भाई? कप्तान सर कमेटी में अगली सात पीढ़ी याद करी है, बता देते बदतमीज गोगदा, तुमका कमीज नहीं आवत है? इतने बड़े बड़ी तुम दरोगा बने घुमा सारे बदतमीज गोगदा, काहे गाली दे रहे हैं? क्या बात होगी? गाली क्यों दे रहे हैं आप? तुम्हारी खैरियत नहीं है, बता दे। अरे हमारी खैरियत ना, कल जो करना है कर दीजिए, लेकिन गाली क्यों दे रहे हैं सर आप? हम गाली नहीं है, गिराग मर भाई तुम का राज कह रहा। मार दीजिए साहब, आपका राज है, आप मार सकते हैं। राज है कि तुम्हारा नहीं? आपका राज है साहब, आप मार सकते हैं, मैं मना थोड़े किया हूँ आपको। आप जो कहना चाहेंगे आप कह सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा नाराज क्यों हो जा रहे हैं एक भाई? नाराज इसलिए है कि उनका सामान हम भेजें, हमारे जवानों का मैका तुम लाओ, कागज लाओ, पत्नी आवे, भाई आवे, सब आए। अरे तो साहब ये बात आराम से भी कर सकते थे, इतना नाराज हो जा रहे हैं। विधायक राम नरेश रावत दारोगा दिलीप राय पर भड़क गए और उन्हें थाने में घुसकर पीटने की धमकी देने लगे। अब उनका ये ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिलीप जी, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, दारोगा आपको धमका रहे हैं, विधायक साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है ये पूरा मामला? माननीय विधायक जी, कहा गया जी। मेरे द्वारा सुन गया, हमारे अधिकारी संज्ञान में लेके जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। दिलीप जी, ऐसा क्या हो गया कि विधायक साहब आपको धमका रहे थे? क्या किसी केस में आप पर दबाव बनाने की कोशिश थी? तो जांच का विषय हमने अपने अधिकारियों को दिया, तो आगे हमारे अधिकारी जांच करेंगे, उससे जो जो जैसा होगा वो बताएंगे। नहीं दिलीप जी, माननीय विधायक किस तरीके से जो हमारे साथ किया गया ये गलत है जी। दिलीप जी, जिस तरीके से ऑडियो को हम सुन पा रहे हैं, ना सिर्फ आपको धमकी दी जा रही है बल्कि गाली गलौज भी आपके साथ की जा रही है, आपसे यही समझेंगे दिलीप जी, ये क्या है ये पूरा मामला? और इस वक्त हमारे साथ, मैं रोकना चाहूंगी दिलीप जी, इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक जुड़ गए, राम नरेश रावत। राम नरेश रावत जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? आप धमकाते हुए नजर आ रहे हैं दरोगा साहब को? दरोगा जी को धमका नहीं रहे, समझा रहे हैं। उन्होंने 20,000 रुपया ले लिया था एक आदमी से। विधायक जी कौन सा तरीका है समझाने का? ये कौन सा तरीका है समझाने का सर? अरे 20,000 रुपया ले लिया, उनको 20,000 रुपया वापस करना पड़ा हरे दरबार में, 9 से 11 तक हम दरबार लगाते हैं, उनको वापस करना पड़ा रुपया, और उसके बाद में उसी के पति को जेल भेज दिया। वो महिला आई हमारे पास में, महिला देवर जेठ सब पूरा घर भर की सामान हमारा नहीं दे रहे हैं जी। सामान जब लेने भेजे तो उसको 3 बजे से कल बिठाल दिया, रात के 8 बजे तक उसको जांच। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप समझा रहे थे, लेकिन आपका जो तरीका है विधायक जी, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ खुद दिलीप कुमार राय हैं दारोगा, उनसे ही हम जान लेते हैं। दिलीप जी, आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आपने पैसे भी लिए और फिर उसके बाद कार्रवाई भी गलत की। माननीय विधायक, जो आरोप उनके बस में लगे वो लगा देंगे, ये आप जान लीजिए कि अगर किसी से पैसा कोई लेता है तो उसको जेल भेजता है क्या? इनका आरोप एकदम मिथ्या है, गलत है, अपने बचाव के लिए ये विधायक जी अपने आप को कह रहे हैं। नहीं नहीं, उनको पैसा वापस करना पड़ा था दरोगा जी को। दिलीप जी, इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक जी जुड़े हुए हैं। आप मैंने जेल भेज दिया जी, विधायक जी अपने बचाव में कह रहे हैं, मैंने जब मुलजिम को भेज दिया तो किस चीज की थी? मुलजिम को चुन में अपने आप में, अरे हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धमकाने का प्रयास? साथ पूछ देखने की बात कर रहे हैं हमको। राम नरेश जी, इन्होंने पैसा ले लिया, घूस ले लिया, जब उसके बाद भी उसको जेल भेज दिया, और कल 3 बजे जब महिला उनके मोबाइल और सामान लेने गई तो उसे अपमानित किया उनके पति, और उनसे कहा तुम घर जाओ। नहीं, सब बात ठीक है विधायक जी, सब बात ठीक है आपकी, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए सर, ये समझा दीजिए कि ये जो तरीका है जो आप अपना रहे हैं एक दरोगा से बात करने के लिए, जायज है क्या? ऐसे बात की जाती है किसी दरोगा से?
अरे भाई दरोगा, दरोगा को तो हमारे छोटे भाई कह रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कहा था कि बीजेपी नेता पुलिस भाई भाई, मुझे भाई भाई है तो भाई अगर गलती करेगा तो सरकार नहीं पाएगा। सर ये कोई तर्क नहीं है राम नरेश रावत जी, ये कोई तर्क नहीं है। आपकी जो भाषा है वो अमर्यादित है, आप सीधे सीधे धमका रहे हैं। सर ऐसा मामला था तो सर आपकी सरकार है, आप आगे आगे शिकायत करते। इनको खुद ठीक प्रकार समझा चुकी है, 5000 रुपया दिया था इसी तरीके से, तो फॉल में इनको वापस करना पड़ा और फिर 20000 रुपया ले लिया तो इसने 18500 इनको वापस किया। तो गलत तरीका है ना, घूस भी लेंगे और उसके बाद धमकाएंगे भी। दिलीप जी आप पर घूस लेने के आरोप लगा रहे हैं विधायक जी। आरोप इनका गलत है, माननीय विधायक जी का जो भी आरोप लगाया गलत है। मुलजिम को पकड़ के मैंने जेल भेज दिया, मैं इतना जान रहा हूँ, मेरे मुकदमे में थे, मैंने जेल भेज दिया। चाहे जो भी आरोप लगाए सारे आरोप निराधार है। कोई आपका सवाल है दिलीप जी तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं घूस लिया था कि नहीं 20000 रुपए? आप दुनिया हर चीजें आप अपने स्तर से कमाना चाह रहे हैं। जब मुलजिम को मैंने जेल भेज दिया तो क्या बात नहीं रहेगी आपका बहुत सम्मान मैं करता हूँ विधायक जी, वापस किए लेकिन आपसे उम्मीद नहीं थी हमको। मैं आपका पैर छूता था, आपने पैर बुला के पैर छुलवाया। जिंदगी में भविष्य में उम्मीद नहीं किया था कि आप हमको ऐसा कहेंगे, किस तरह की प्रक्रिया आप हमारे साथ दोहराएंगे। मैंने कौन सी काम करता था, 30000 लेकर। हेलो हेलो जी विधायक जी, हेलो आपको आपकी आवाज आ रही है सर। लिया फिर उसके पास उसके पति को जेल भेजा, जब इनको रुपया वापस करना पड़ा और कल जब वो सामान अपना लेने गई पति का मोबाइल इत्यादि 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिठा रखा। अब हमने इनको जब वो बताया कि वो कहते हैं कि तुम पते घर के लोग जाएं, ये मेरे कमरे में रुकेगी, तो जब मुझे ये पता चला और कहा जात सूचक गालियां ली तो मैंने इन्हें फटकार लगाई। विधायक जी शर्म करिए, मेरे तो लोग में जाने में भी आपको नहीं आएगा। बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं आप, कोई आज तक नहीं इस तरीके का आरोप लगाने वाले। आप गलत आरोप ना लगाइए, आपको तो बहुत सम्मानित और आदरणीय मेहमान के रखा था आप, लेकिन आप हर चीज मंदिर है, कसम खा लीजिए अगर ये क्या हो। मैं भी आपने गालियां ना दी हो और उसे रोका ना हो तो बता दीजिए। 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक आप क्या करते हैं, इस तरीके से आरोप मत लगाइए गलत। 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप क्या करते रहते हैं, जवाब देना पड़ता है। ऊपर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे इस तरीके से। जो वीडियो आपने वायरल की है कि इतने देर तक आप क्या करते रहे, क्यों रोके हो? जब हम जमानत देते हैं तो इसका सामान दे दो। मत कहिए झूठ, झूठ का सहारा। बात मैंने कही कि नहीं कही इस तरीके का, हम इस तरीके से नहीं कहना। सुन पा रहे राम नरेश जी आपकी बात, आपकी आवाज मिल रही है सर? देंगे अभी आके मैं मार दूंगा, मैं तो रात में दहशत भर में काटा हूँ आपकी इस बात से। विधायक जी आपकी आवाज आ रही है, आप जो दिलीप जी से सवाल करना चाहते हैं आप कर लीजिए सर, आपकी आवाज मिल रही है। मेरा कहना है कि 3 बजे से उसे रात के 8 बजे तक प्रताड़ित करते रहे, क्या कर रहे थे? 3 बजे मेरी इनके पर फोन पर बात हुई, फोन का उनके परिजनों को भेज दीजिए मैं सामान दे दूंगा। 3 बजे इन्होंने स्वयं मुझसे कहा भेज दीजिए मैं उनको सामान दे दूंगा। हेलो दिलीप जी आप सुन पा रहे हैं विधायक जी क्या कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप पर? सर इस सवाल का जवाब दे दीजिए। कल लगाया गया सारे आरोप बेबुनियाद है। विधायक जी अपने बचाव में जो कुछ भी कहना चाहे कह सकते हैं। अब मैं एक सिरे से इनके हर चीजों को खारिज कर रहा हूँ। ये हमारे सम्मानित थे, बहुत ज्यादा सम्मानित थे, लेकिन कल के इनके इस तरीके के कार्य से मुझे बहुत घात पहुँचा है। डिप्रेशन में इस समय मेरी स्थिति है जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, एक बार नहीं ये कई बार इस तरीके से हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि विधायक जी इस तरीके से मत करिएगा कोई चीजें, हमें मत बुलाइएगा। इनकी आदत है अपने घर पे बुलाना, बेइज्जत करना। अब ज्यादा नहीं कहूंगा विधायक जी के बारे में, अब वो जो कुछ करना चाहे अपना करे। हम अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया हूँ, जो उसमें उचित निर्णय लेंगे वो काम करेंगे। ठीक है दिलीप जी, अब आपने FIR करा दी है, अब आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, आगे क्या आपके भी कदम होंगे? अधिकारी जो भी करना चाहे वो करेंगे, मैं सारे अधिकारियों को अपने अवगत करा चुका हूँ मैम।